आज हम यहाँ पर बात करेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, 4/5, 6/11 और 5। 5 को भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/1। याद रखने वाली बात यह है कि जो क्यू की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू 0 के सिवा कुछ भी हो सकती है पर उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। चलिए थोड़ा हम इन फ्रैक्शन को डिवाइड करके देखते हैं, जैसे कि 2/3 को। जब हम 2/3 को डिवाइड करते हैं तो वो पाएंगे कि जो इनके जो डेसिमल्स हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, वो आते ही चले जा रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। पर हम एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं, जो डेसिमल्स वो आते ही चले जा रहे हैं वो एक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 6666666। ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स के बाद इनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो रही और रिपीट कर रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर हम जरा 4/5 को डिवाइड करके देखें, अगर हम 4/5 को डिवाइड करते हैं तो पाएंगे कि इनकी जो डेसिमल्स हैं वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो गए और इनकी जो डेसिमल वैल्यू है 0.8, यानी कि ये कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गए। तो ऐसे डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो गए, ख़त्म हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर हम दूसरी तरह से बात करें तो हम देखेंगे जो नंबर जिनके डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं पर उनके डेसिमल्स रिपीट हो रहे हैं, उनके एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे नंबर्स भी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर वो नंबर जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इनकी जो डेसिमल्स के बाद जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, यानी कि डेसिमल्स के बाद इनकी जो वैल्यू है वो आती ही चली जाएगी और साथ ही कोई नंबर एक पैटर्न के साथ रिपीट भी नहीं करेगा। इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई। अगर आप पाई की वैल्यू सर्च करें तो आप पाएंगे कि इनकी वैल्यू जो है वो डेसिमल्स के बाद आती ही चली जाएगी और कोई पैटर्न रिपीट नहीं करेगी। तो पाई एक इरेशनल नंबर है।